तो है गाइस, स्वागत है आपका लाइव विद प्रियाजी चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ गाइस। आज है ना, हम 3 बजे आए, फिर 3 बजे आने के बाद है ना मैंने वीडियो अपलोड करी और फिर कपड़े वपड़े चेंज किए, कुछ खाना वाना खाया। इतने में है ना अभी टाइम हो रखा है 4:15 का और 4 बजे आ जाएंगे मेरे स्टूडेंट्स। दीदी आ जाओ हमारे हमें पढ़ाने के लिए, फिर वहाँ नीचे जाऊँगी मैं उन्हें पढ़ाने के लिए, फिर 5 बजे है 6 बजे तक बिजी हो जाओगी, फिर मैं 6 बजे तक 6:30 बजे तक भी काम ज़्यादा होता है। मम्मी ऐसे कह रहे 6 बजे तक बिजी हो जाऊंगी फिर मैं। हाँ 6:30 बजे तक काम ज़्यादा हो तो 6:30 बजे तक फिर बनाने हैं 3-4 शॉर्ट्स, चार शॉर्ट्स तो बनाने फिर शॉर्ट्स बनाने हैं मुझे तो। ऐसे करके मेरा तो सारा दिन ऐसे ही चला जाता है गाइस, पता ही नहीं लगता। पहले तो क्या था ना, हम 2:30 बजे आ जाते थे आधा घंटा पहले, तो फिर है ना आके क्या होता था, कुछ जैसे वीडियो एडिटिंग का भी काम होता था तो एक दो हो जाता था वो। अब तो 3 बजे आते ही है ना बिना कपड़े चेंज किए, पहले वीडियो अपलोड करनी ज़रूरी होती है ना गाइस, क्योंकि 3 बजे मतलब जाता है व्लॉग। तो मैं कोशिश रखती हूँ कि 3 बजे फिर चला ही जाए व्लॉग, ज़्यादा आगे पीछे ना हो टाइमिंग, तो 3 बजे चला जाए व्लॉग आज। स्टार्टिंग तो यही टाइमिंग, हाँ स्टार्टिंग तो हमारी यही टाइमिंग थी 3 बजे, 3 से 4 के बीच बीच में व्लॉग चला जाता है। आज स्कूल में भी इतना कुछ खास नहीं हुआ, कल मैं अपसेंट थी ना तो मैम ने पूछा हाँ प्रियांशी क्यों अपसेंट थे, मैम तबीयत खराब हो रखी थी मेरी, मैम कहा आपकी बड़ी तबीयत खराब रहती है। पहले छुट्टी करी है तो मैं पहले छुट्टी करी है पर पता ना दुए कब आती। फिर हमारे आज एक सर अपसेंट थे उसमें, फिर कुछ भी नहीं हुआ आज इतना कुछ खास, थोड़ा जोर पड़ा हमें क्योंकि हम क्या करते हैं अभी उसी टाइम पहुंच जाते हैं, जैसे आधा घंटा लेट हो गया ना स्कूल तो अब है ना ये नहीं करते कि आधा घंटा लेट उठेंगे, हम उसी टाइम पहुंच जाते हैं। फिर जो है ना जैसे सुबह सुबह जो लर्निंग वर्क होता है ना वो कर लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है ना सुबह सुबह का याद करा हुआ दिमाग में थोड़ा बैठा रह जाता है। और वैसे भी रात को वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी बहुत काम हो जाता है गाइस, आप ये मान लो मेरा है ना शेड्यूल इतना बिजी है। अब आप ये देख लो मैं ना 3 बजे आई थी, 4:15 हो गए हैं, मैं आराम से शांति से बैठी रही हूँ, बस आराम से शांति से अभी मैंने बैठ के खाना खाया था बस, और अभी 4:15 से भी ऊपर टाइम हो गया है। वो कार्तिक 5 मिनट पहले आ जाते हैं, आ जाओ दीदी 5 मिनट पहले। तो भाई मेरी बेटी ना खूब सपोर्ट करो, देखो कितनी मेहनत करती है मेरी बेटी, बहुत मेहनत है गाइस इसमें। अब 4 बजे से 5 बजे तक फिर उन्हें पढ़ाऊंगी, फिर ऐसे फिर शॉर्ट्स बना रहे मुझे रात को, भड़का हो जाता है गाइस। ये बस सोचो वीडियो बना ऐसे ही कुछ भी बना दो, रोज का कंटेंट भी सोचना होता है कि क्या करें। थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो गाइस, आप भी ऐसे ही देख के चले जाते हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, अगर अच्छा लगे व्लॉग तो कमेंट भी कर दिया करो, और इससे थोड़ा मोटिवेशन सा मिल जाता है मुझे भी कि हाँ बनाने का मन करता है कि कुछ हो रहा है, कि हाँ सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लोग मुझे देखना पसंद कर रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। वो तो कर ही रहे हैं बेटा, लेकिन जो वो वीडियो दो की हाँ। ये मारी उसमें लेकिन कितने 21 सब्सक्राइबर भी लेके आई है, 21 सब्सक्राइबर और अच्छा खासा कुछ टाइम भी मिला उससे हमें। वे सपोर्ट तो बहुत कर रहे हो आप, जैसे अभी तक सपोर्ट किया आगे वैसे ही सपोर्ट करते रहो आप, लेकिन जैसे उस वीडियो को प्यार दिया और वीडियो को भी उतना ही प्यार दो, उससे ज्यादा प्यार दो गाइस इस और वीडियो को। और देखो मम्मी एज यूजुअल चाय पीते हुए मेरे मम्मी, अभी वो कार्तिक आ जाएंगे तब देखो। मम्मी तो है ना, मम्मी तो अभी हम आए थे ना तभी वहाँ पे घर में काम चल रहा है ना साइड वाले में, वहीं पे ही खड़ी थी मम्मी भी, अभी आई है क्योंकि आप फिनिशिंग पे है ना तो छोटा छोटा काम देखना पड़ता है फिनिशिंग पे, इसीलिए तो वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता, नहीं तो मिस्त्री भी ऐसे होते हैं ना जब थी देख लेते तो काम भी नहीं करते ऐसे धीरे धीरे। और पापा रोज कहते हैं वहाँ पे खड़ी होकर देख लिया कर के करा करते, क्योंकि जब कोई खड़ा रहता है तो वह दाब बांट जाते हैं कि हाँ कोई खड़ा है हमारे सर पे, तब तो वो जल्दी काम करते हैं है ना मम्मी। तो मम्मी भी अभी बस 5 मिनट पहले आई है, मम्मी ने बस अपनी चाय बना के पीने के लिए बैठी है मम्मी भी। और मम्मी और भैया मैं अपनी बेटी को चाय बनाने के लिए नहीं बोलती हाँ मैं अपनी चाय खुद ही बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई इतना बिजी है अभी तो खाना खा रही है। मम्मी ने तो कह दिया तू बस अपनी पढ़ाई और इस पे ध्यान दे, बाकी काम पे तू टेंशन मत लिया कर, अपने आप होगा, अब अपने आप देख लूंगी उसकी टेंशन तू मत लिया कर। हाँ चाहे लेट हो चाहे जल्दी हो जो भी कुछ हो, देखो भाई मेरी तबीयत खराब हो तो दूसरी बात है कि भाई लेकिन भाई अब मैं भी देखूँ मेरी बेटी इतनी भाई
वो रह है, प्रेशर में रह है, ये जो भी करना है वो भी करना है, और ऊपर से ये भी है ना, आया है तो भाई देखो पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स हमारा तो सपोर्ट करना ही बनता है, तो जितना हम इस टाइम में दे सके हैं अपना बेटा कर ले जो तुम्हें करना है। और उसमें ये भी है ना, इसके चक्कर में पढ़ाई को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसने प्रॉमिस कर रखा है पापा को कि मैंने कहा था बस पापा पढ़ाई पे नहीं बैठ लूंगा, उसे उस पे पापा ने कह रखा है। अच्छा भी लगता है, जितना पढ़ती है दिल से पढ़ती है, वो भी नहीं है कि भाई टाइम पास करती है, ये चीज बहुत अच्छी है। शेड्यूल मेरा बिजी नहीं रहता, नितेश का भी बड़ा शेड्यूल बिजी है, अभी वो भी 3 बजे आके 4 बजे तक ही देखेगा गाइस, फिर 4 से लेके कभी 6:30 कभी 7 बजे तक उसकी चलेगी ऑनलाइन क्लासेस, फिर वो 7 बजे से रेस्ट करेगा, फिर वो स्कूल का काम करेगा 8 बजे से। बेचारे का बहुत बिजी शेड्यूल है, मेरे तो बच्चे दोनों ही बिजी हैं। हाँ बिजी रहते हैं अब तो सारा दिन वो, पता ना कुछ करेंगे ना करेंगे उसका तो बेरा ना, पर भाई बिजी पूरे रहे तो करते हैं गाइस। हाँ ये तो करते तो दिखते हैं, कहा कुछ तो करने लग रहे हैं दोनों भाई बहन, कुछ तो कर ही रहे हैं। ये है कि भाई बाहर घूमने से तो कुछ वो ना कुछ ज्ञान ही लेते होंगे, कहीं तो काम आएगा ही, यही है। हाँ तो गाइस चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। A few moments later. देखिए गाइस क्या आया निकिता, इतने मुंडे काम कर दिए तने, अच्छा स्कूल को उल्टा पकड़ा हुआ है आपने स्कूल को, कोई यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती। चलते थे क्यों गाइस, अब देख लीजिए ऐसा क्या है इसके शक्ल। निकिता ने लगाया है बालों में ही तो कैसे ड्रामे कर रही है, जैसे पता नहीं क्या कर रही है। हम बकवास नहीं करते ठीक है ना। अच्छा तो क्या करा करे तू, बकवास के सिवा कुछ करा भी करे तू, बकवास करते हैं। देखा निकलाई ना सच्चाई। और निकिता पता क्या कह रही है, आज के टाइटल को, आज के ब्लॉग के टाइटल को क्या दी है, क्या लिख रहा, देखिए हमारे भाई बहनों की टोटल बकवास। और निकिता कह रही मुझे मत लियो उसको, क्योंकि वो बकवास नहीं करती। और सब बत्ती थोड़ी थोड़ी मैं तेरी तरह बोल ना करती, मतलब है ना थोड़ी थोड़ी समझदारी करा है और इतनी ज्यादा बकवास करा है। एक मिनट इतनी बकवास करी, इतनी बता ना बेटा कितनी बताई, मैंने टोटल बकवास नहीं की। पता क्या हुआ, हमें मैंने चेन पढ़ा रही थी और मम्मी ने पता क्या किया, क्या मम्मी आ जल्दी आ जल्दी बाहर आ जल्दी दिखा, ये देखे नौले वो क्या कर रही थी, कार्तिक पढ़ तू जाके की लग रही थी तेरा मुंह में यो लेन की है आपने। हाँ दिशु, अरे वाह वेरी गुड दिशु, ऐसे ही पढ़ना है दिखा, क्लिक करके वही क्लिक करके, क्योंकि मुंह मैं ले रही थी पेन ने और ढक्कन को जब तूने मेरे ना लग गया इतनी पीगी, देख जब जो तो घूट भर रही है पूरी। मम्मी का रिएक्शन उसके भी आया हमारा मत बारा और इसके काम देखो क्या करे थे भूमि इंकर ने मुंह में लेके पेन ने एक बार जरा सा आप देखिए प्रिया काना, इस टाइम पे ना हम सारे चारों इकट्ठे हो गए, थोड़ी देर बातें करते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं अपना सारा, और ये देखिए नितेश है और मैं आपसे बातें कर ही रही हूँ, और देखो उसकी ठंड है, पता
पापा तो है ना सर्दियों वाली वो जैकेट सी पहन रखी है, तो पापा को तो ठंड कैसे लगेगी, मम्मी अपना शॉल ओढ़ रखी है। ना भाई कौन ओढ़ रही है फिर ऊपर ऊपर तो है शॉल है, रुक जाना बेटा बैठ जा, इतनी ठंड ना है, जा ले आ ले आओ आप भी अपना कंबल कुछ शॉल बोल चादर ओढ़ आ, चलो डग रहे हो तो आपका आप ले लिया वो ले शॉल ओढ़ ले आ जा, वो भी अभी तो मुझसे कंबल छीन रहा था गाइस, मैं ना कंबल ओढ़ गई ना नहीं जैसे तो अच्छा मैं दया से करके छीनने लगा मुझसे। अच्छा एक बात हो रहा है, जैसे मान लो अब नितेश बातें करने लग जाओ, प्रिया ना आना जरूर है चाहे कंबल क्या चाहे कुछ, और वैसे प्रियांशी को ये कह दो कि बेटा दूध ले ले, तब मम्मी अरे अब नितेश हमारे पास आ गया ना तो जब, अब वैसे एक बार तो इनका इसके पापा आने के बाद एक तो लावे ना जी एक राउंड तय पूरी संसद बिठावे है भाई, कौन कौन बच्चा अपने घर अपने पापा मम्मी के साथ अपनी सारे दिन भर की बातें शेयर करता है कमेंट में बताना, लेकिन भाई मजा ही ना आवे, इतना सारी शिकायत सारी बातें अच्छी बुरी सारी बताना ले जब तक है ना प्रियांशी, भाई हमारी तो यही दुनिया, हम तो यही बातें करते रहते हैं और हम भी अपने सारे दिन की जो खास खास बात होती है वो सारी बता देते हैं। क्या कर रहा था देखिए गाइस ये चलो भाई ठीक है अब हम कर लेते हैं अपनी पर्सनल टाइम बिता लेते हैं थोड़ी सी देर, तो वीडियो का करते हैं यही एंड, पहले राम राम तो कर दो आपने किसी तरह, राम राम भी ना करी, नमस्कार जी सभी को। हाँ तो गाइस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना ताकि और नहीं तो एक और वीडियो आपको सबसे पहले मिले, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, मैं पूरा बोल देती हूं एक्टरो आप ले लेंगे जिस तो नितेश कमेंट करना भूल भी जाओ तब भी कोई बड़ी बात रहा है तो आप भी कर दो जी बाय, सभी को नमस्कार। तो चलो जी आज के लिए बाय।